तो आज मैं ये जो हेडफोन है इसके साथ ये जो कलर है इसको कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों ही ये मीवी के तरफ से हैं और सेम प्राइस रेंज में आता है, तो इन दोनों में आपको कौन सा लेना चाहिए वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों का जो साउंड क्वालिटी है उसके बारे में, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो दोनों हेडफोन्स मैंने यूज़ किया, ये हेडफोन लगभग मैं 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ और ये लगभग 1 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसका डिफरेंस बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मीवी कॉलर के बारे में। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा है, बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। बेस भी इसका बहुत ही अच्छा है, वोकल भी बहुत ही अच्छा है इसका, एक बैलेंस आपको साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो है डुओ पॉड्स हैं, ये आपको बेस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अगर आप बेस लवर हैं तो ये जो मीवी कॉलर है इससे बेटर आपको बेस ये प्रोवाइड करता है। बहुत ही थंप वाला इसमें बेस आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको बहुत ही बैलेंस एक बेस और ट्रेबल दोनों ही देखने को मिलता है। लेकिन बात किया जाए तो दोनों में कौन सा बेटर है, तो अगर आप बेस लवर हैं तो ये हेडफोन आपको ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आप बेस के साथ वोकल्स को भी इम्पॉर्टेंट मानते हैं तो ये हेडफोन आपके लिए बेटर होगा। इसमें भी वोकल्स अच्छा है लेकिन जो वोकल है वो थोड़ा सा बेटर है इसमें। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों का ही बहुत ही अच्छा है, दोनों ही यहाँ पे प्लास्टिक बेस्ड है, लेकिन ये जो डुओ पॉड्स है इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर है। इसका केस का जो प्लास्टिक मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा है और इसका जो एयरपॉड है ये भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको टच सेंसर देखने को मिल जाता है, ये ग्लॉसी ब्लैक आपको इसमें देखने को मिलता है और पीछे जो पार्ट है ये आपको मैट ब्लैक देखने को मिलता है। और ये जो मीवी कॉलर है इसका भी क्वालिटी अच्छा है। आपको जो यहाँ पे ईयरपीस मिलता है इसमें आपको मेटल देखने को मिलता है जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम कर देता है इस पैकेज को। या और ये जो डुओ पॉड्स है इसमें कोई भी मेटल पार्ट यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेटल यूज़ किया गया है इस पार्ट पे। बिल्ड क्वालिटी दोनों का ही अच्छा है, ये जो प्राइस रेंज है इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोनों में कौन सा यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये जो कॉलर है ये बहुत ही हल्का है, अगर ये आप कान में रखते हैं तो उतना वेट आपको नहीं फील होता है। और ये जो डुओ पॉड्स है ये भी बहुत ही लाइट वेट है एंड आप बहुत ही कंफर्टेबली इसको यूज़ कर सकते हैं, कान से नहीं गिरता, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कान में चिपक जाता है ये हेडफोन। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बहुत ही अच्छे यहाँ पे कनेक्टेड हो जाते हैं, ब्लूटूथ 5.0 दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, कोई भी यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलता है। ये जो कलर है ये बटन प्रेस करते ही आपके साथ फ़ोन आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। और ये जो डुओ पॉड्स है इनको आपको दोनों 3 सेंटीमीटर से कम रखना पड़ेगा, उससे ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये दोनों पॉड्स ही बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाता है फ़ोन के साथ, कोई भी कनेक्टिविटी इशू इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। कॉल क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो दोनों का माइक बहुत ही अच्छा है, मैंने यहाँ पे फ़ोन करके देखा है। अगर आप दोनों में से एक चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कॉलर का जो माइक है ये थोड़ा सा बेटर है, कॉल क्वालिटी बेटर देखने को मिलता है मीवी कॉलर में। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप दोनों का बहुत ही अच्छा है, सीरियसली मीवी कॉलर बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाता है, 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। एंड बैकअप भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, मुझे लगभग 7 to 8 hours बैकअप मिला है इसमें। मैंने यहाँ पे 70% वॉल्यूम में सुना है, उसके बाद भी मुझे 6-7 hours यहाँ पे बैकअप देखने को मिल गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड ये जो डुओ पॉड्स है ये यहाँ पे क्लेम करता है 30 hours का, लेकिन मैंने सुबह से जितना भी सुना है यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिला है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है। ये बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो मीवी कॉलर का बैकअप थोड़ा सा बेटर है, तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग के मामले में ये भी आगे निकल जाता है। पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको डुओ पॉड्स में टाइप सी देखने को मिलता है एंड कॉलर में आपको नॉर्मल यूएसबी केबल देखने को मिलता है। यहाँ पे डुओ पॉड्स का एक प्लस पॉइंट है जहाँ पे आपको एक टाइप सी देखने को मिलता है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में, टाइप सी मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा लगा एंड मे बी बहुत ही अच्छा ये काम किया है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आते हैं कौन सा आपको यहाँ पे लेना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट से जितने भी यहाँ पे बोला है तो सबको यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला था इसका साउंड क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी दोनों का ही बहुत अच्छा है। अगर आप बेस लवर हैं तो डुओ पॉड्स लीजिए, क्योंकि बेस इसका बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एक बैलेंस म्यूजिक विथ गुड बेस चाहिए तो मीवी कॉलर आपके लिए है। तो सेकेंड जो है इसका वो है माइक क्वालिटी। तो माइक क्वालिटी मैंने बताया आपको इसका थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी दोनों का ही बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे टाई करने वाला हूँ, मुझे ना इसका बेटर लगा ना इसका बेटर लगा, दोनों का ही बहुत ही अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी इसमें यूज़ किया गया है एंड इसमें थोड़ा सा मेटल यूज़ किया गया है। दोनों ही प्राइस रेंज के मुताबिक बहुत ही अच्छा आपको बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो बात है वो है इसका कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स बर्ड्स का अलग है, इसका अलग है। आप बर्ड्स को यहाँ पे टैप करके इसको प्ले और पॉज कर सकते हैं, डबल टैप करके चेंज कर सकते हैं एंड इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी आप एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो कॉलर है आपको यहाँ पे तीनों डेडिकेटेड बटन्स देखने को मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम प्लस और डाउन। इससे आप चेंज कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं और इससे वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे लगभग सेम है, सभी कंट्रोल्स आप दोनों में ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका कंफर्टेबल, तो ये आपके ऊपर बेस्ड है आप कैसा यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, आप कॉलर रखना चाहते हैं या यहाँ पे पॉड्स रखना चाहते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, कान में रखते हुए कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाला, दोनों ही बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही बहुत ही अच्छा है, आप कोई भी ले सकते हैं। एंड बैटरी बैकअप के बारे में बात किया जाए तो मैंने आपको बताई है, तो ये अब आपके ऊपर चॉइस में आता है आप कौन सा लेना चाहते हैं, आप बेस ज़्यादा लेना चाहते हैं या आपको बैलेंस म्यूजिक चाहिए, तो इनमें से आप यहाँ पे दोनों चूज कर सकते हैं। तो यही था आज का रिव्यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अगेन मीवी फॉर सेंडिंग मी दिस ईयरफोन्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।